आज हम दूरदर्शन पर निबंध करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दूरदर्शन आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति दूर की वस्तु एवं व्यक्ति को देख और सुन सकता है। इस यंत्र की सहायता से कानों तथा आँखों दोनों की तृप्ति होती है। दूरदर्शन का आविष्कार 1926 में इंग्लैंड के जॉन एलवेयर्ड ने किया था। दूरदर्शन मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देने, जानकारी बढ़ाने, प्रचार और प्रसार का भी महत्वपूर्ण तथा सशक्त साधन है। आरंभ में दूरदर्शन काफी महंगा पड़ता था, इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति को तो क्या प्रत्येक देश तक में सुलभ नहीं था। धीरे धीरे इसका प्रचलन और प्रसारण इस सीमा तक बढ़ा कि आज यह सर्वत्र देखा और सुना जा सकता है। अब यह राजभवन से लेकर झोपड़ी तक में पहुंच चुका है। पहले यह श्वेत श्याम स्वरूप में ही प्राप्त था, परंतु अब तो रंगीन दूरदर्शन सारे विश्व में उपलब्ध है। इसके द्वारा हम देश विदेश में होने वाले खेलों को घर बैठकर देख सकते हैं और उनका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश विदेश में घटित घटनाओं को हम सीधे अपनी आँखों से देख सकते हैं। आजकल इसके माध्यम से पाठ भी पढ़ाया जाता है, जिसे बच्चे भली प्रकार समझ लेते हैं। आजकल दूरदर्शन को भू उपग्रह से जोड़ दिया गया है ताकि ग्रामवासी भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। आज के व्यस्त जीवन में यह मनोविनोद का बढ़िया और सस्ता साधन है। इसके द्वारा नाटक, हास्य व्यंग, संगीत, कवि सम्मेलन, चलचित्र तथा अनेक प्रकार के सीरियल देखकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसके माध्यम से कृषि संबंधी कार्यक्रम दिखाकर कृषि कार्यों की अधिकाधिक जानकारी दी जा रही है। इस तरह यह कृषि के विकास में किसानों की सहायता कर रहा है। विज्ञापनों को देकर व्यापारी वर्ग व विभिन्न वस्तुओं के निर्माता अपनी सहायता कर रहा है। सुदूर ग्रहों की जानकारी इसके कैमरे सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञान की नित्य नए नए आविष्कारों ने इसे अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है। केबल टीवी, स्टार टीवी, VCR, कंप्यूटर, खेल आदि ने इसे नया रूप दे दिया है। दूरदर्शन में कुछ कमियां भी दृष्टिगत होती है। इसके प्रकाश से तथा इसे लगातार देखने से आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि आँखें खराब भी हो जाती है। इसके द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं जिनका बच्चों के मानस पटल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।